बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो तरह की वैरायटी सिखाऊंगी पॉपकॉर्न की, एक सॉल्ट की और दूसरी कैरेमल की। तो ये दोनों बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ किचन तक आने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो बस किचन तक आइए और गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बनाइए और इंजॉय कीजिए, ठीक है? इसके लिए जो मुझे चाहिए, हाफ कप मैंने मकई के दाने लिए हैं। ये देखिए किस तरह के हैं, ये छोटे वाले और हार्ड वाले हैं, ठीक है? इस तरह के होने चाहिए, ये देख लें ज़रा। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और 4 टेबलस्पून मैंने इसके लिए ऑयल लिया है और 1/4 टीस्पून इसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे, मिक्स कर लें और अब हम इसमें ये मकई डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है। तो ये देखिए ये बनना शुरू हो गया। अब मैंने कवर कर दूंगी, ठीक है? चले अब ये देखिए खुद से ये बनते जाएंगे। जब इसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये सारे तैयार हो गए। फ्लेम को हमने बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, मीडियम से थोड़ा सा तेज रखेंगे, ठीक है? तो देखिए आवाज आनी बंद हो गई है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और ढक्कन को मैंने हटा दिया है क्योंकि फिर इसका पानी गिरेगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैं इसे डिश में निकाल दूंगी, ठीक है? तो जी अब हम बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न। ये भी बनाने में बहुत ईजी और खाने में बहुत टेस्टी, ठीक है? बनाइएगा जरूर। तो चलिए इसके लिए जो मैंने लिया है, हाफ कप मैंने ये लिए हैं मकई के दाने और 4 टेबलस्पून इसके लिए ऑयल, ठीक है? सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि ये हमने कैरेमल मीठे बनाने हैं। तो ये दो चीज़ें होंगी पॉपकॉर्न के लिए। तो कैरेमल के लिए 1 कप शुगर, 2 टेबलस्पून भर के बटर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा, ठीक है? चंद कतरे इसमें जाएगा वनीला एसेंस, ठीक है? तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे इसके लिए पॉपकॉर्न, ठीक है? चलिए अब मैं इसमें पहले ऑयल डालूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैं ये मकई डाल दूंगी, ठीक है? बस अब इसको मिक्स करेंगे और जब ये एक दो बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसे ढक देंगे, ठीक है? चलिए अब हम बनाएंगे कैरेमल, ठीक है? शुगर ऐड करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। ये देखिए मेल्ट हो गई है हमारी चीनी। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगी, इसमें बटर जाएगा। आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने इस तरह कैरेमल बनाना है, आपके पास बच्चे नहीं होने चाहिए। चलिए इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर मैं इसमें मीठा सोडा और वनीला एसेंस डालूंगी, ठीक है? चलिए अब मैं इसमें मीठा सोडा डालूंगी। और इसमें जाएगा वनीला एसेंस। और मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, ठीक है? अब इसमें मैं जो मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे वो डालूंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये काम आपने गरम गरम में ही करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अच्छी तरह से ऊपर कोट नहीं होगा, ठीक है? अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। इस तरह डिश पे फैला दें सारा। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके इनको हाथ से अलग अलग कर लूंगी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे पॉपकॉर्न तैयार है। ये मैंने 2 टाइप के बनाए हैं, एक कैरेमल वाले बनाए हैं और दूसरे सॉल्टी बनाए हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत टेस्टी और बहुत खस्ता बने हैं और 2 मिनट में बने हैं। तो बस अब आपका जब भी दिल करे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाने को तो बस किचन में जाइए और 2 मिनट में बना के गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 टाइम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।